स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आज साइंस का नया वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसका वीडियो नंबर साइंस का 21 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ सॉल्ट के बारे में, जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत यूजेबल सॉल्ट है, दैट इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। कॉमन नेम क्या है? एडिबल सोडा। एडिबल मीन्स खाने का जो सोडा होता है उसको बोलते हैं एडिबल सोडा, तो ये कॉमन नेम है इसका। एंड केमिकल नेम इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या है इसका प्रोसीजर, कैसे इसे बनाया जाता है? दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। फर्स्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड जल, सोडियम क्लोराइड वाटर, CO2 और अमोनिया को यदि रिएक्ट करा दिया जाए, सोडियम क्लोराइड वाटर CO2 एंड NH3, तो NH3 और 1H और Cl मिलकर NH4 बना लेगा। बाकी क्या बचा? Na, इधर एक H बच गया, और CO2 और एक को मिलकर CO3, NaHCO3, यही सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो फर्स्ट तो NaCl से बनाया जाता है इसको, ठीक है, बेकिंग सोडा को। सेकंड जो बनाया जाता है, यदि जो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है उसके अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दी जाए सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वाटर में बनेगा, उसके अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दी जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। 2Na है, देखिए 2Na हो गया, H2 है तो H भी हो गया 2, CO3 ये हो गया, एक CO3 हो गया, तो 2CO3 के मॉलिक्यूल्स हो गए, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। प्रॉपर्टीज़ देखिए, इट इज़ एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वीकली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें इसके तो एल्केलाइन होता है। यदि हम इसको किसी एडिबल सब्सटेंस में मिक्स कर दें तो ये जब हीट होता है तो हीट होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होने के कारण वो सब्सटेंस पोरस हो जाता है, उसके चारों तरफ पोर्स हो जाते हैं और वो स्पॉन्जी हो जाता है, लाइट वेटेड हो जाता है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होने के कारण ये पोरस हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, स्पंजी हो जाएगा। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, इसे एज ए बेकिंग पाउडर यूज़ किया जा सकता है इन अ फूड। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये हाइपर एसिडिटी से भी रिलीफ जो है वो देती है, फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। इट अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, और ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी होता है थोड़ा सा। फायर एस्टिंग यूज है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, फायर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फायर जो होती है उसको एस्टिंग यूज कर सकती है, इसलिए इसे एज अ फायर एस्टिंग यूशर भी यूज़ करते हैं, और लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। तो एज अ बेकिंग पाउडर, इन मेकिंग सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द हाइपर एसिडिटी, एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, फायर एस्टिंग यूशर में, एंड एज लेबोरेटरी रिएजेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। कॉमन नेम इज़ वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट, केमिकल नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन वाटर के होते हैं, सो इट कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ प्रोसीजर क्या है? अगेन जो प्रोसीजर है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस इन विच अमोनिया इज हीटेड टू ऑब्टेन द वॉशिंग सोडा। या तो इसे सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जा सकता है, या जो दूसरा प्रोसेस है, दो प्रोसीजर से इसको बना सकते हैं, तो सॉल्वे प्रोसेस से जिसमें अमोनिया जो होती है वो हीट की जाती है ऑब्टेन करने के लिए वॉशिंग सोडा को। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा पाउडर, बेकिंग सोडा से इसको बनाया जाता है। NaHCO3 को गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट में फिर वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्रिस्टलाइन वाटर इसे रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा,
और क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा बन गया। प्रॉपर्टीज़ है देखिए इसकी, इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन इसका भी अल्कलाइन होता है, और अगर हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर क्रिस्टलाइन वाटर बाहर निकल जाता है और ये सोडा ऐश दे देता है। इट गिव सोडा ऐश, इट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गिव द सोडा ऐश। अब यूजेस क्या हैं इसके, इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग और क्योंकि वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग क्लीनिंग में तो होगा ही। इसके अलावा कॉज कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, ग्लास, सोप, बोरेक्स एक्सेट्रा मेकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। इन मेकिंग कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, ग्लास, सोप, बोरेक्स एक्सेट्रा, एज ए डिटर्जेंट भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इन पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, और एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट सॉल्व कंप्लीट करा। नेक्स्ट लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं बिकॉज इसको सबसे पहले जब फॉर्म किया गया था, जो सबसे पहले इसको बनाया गया था वो कहाँ बनाया था, पेरिस में। ठीक है, जो और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिप्सम होता है उस जिप्सम को हीट किया जाता है 393 केल्विन पर, तो कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। 3 मॉलिक्यूल्स और वाटर रिलीज जाते हैं इस प्रोसीजर से। जिप्सम से गर्म करके इसको जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज़। इट इज़ अ वाइट एंड स्मूथ सॉलिड होता है, वाइट कलर का स्मूथ सा सॉलिड होता है। व्हेन वाटर इज एडेड टू, अगर से वाटर ऐड कर लेंगे तो जिप्सम बन जाता है, और इसके कारण ये 15-20 मिनट्स के अंदर वापस से हार्ड और सॉलिड हो जाता है, क्योंकि ये जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए हाफ हाइड्रेट रिएक्ट विद 3H2O, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सम इज फॉर्म। ठीक है, और ये हार्ड सॉलिड हो जाता है इन 15-20 मिनट्स। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसके अंदर, एक तो प्लास्टर की तरह यूज़ किया जाता है, कास्ट ओवर द ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई बोन्स को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको प्लास्टर बनाने में यूज़ किया जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, डेंटिस्ट जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में। ठीक है, और मेकिंग और फायर रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने सारे कंपाउंड्स पढ़ लिए जो कि डेली यूजेज में हमारे आते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या यूजेज हैं और क्या इनका प्रोसीजर है फॉर फॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक और मे बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, अब अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा ये चैप्टर।